अब नहीं रिकॉर्ड हो नहीं रही है और ये अपराध मुक्त भारत मिशन पर अपलोड भी होगी, नहीं है ना। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्योंकि हम जो भी बातचीत करते हैं वो ऊर्जा है, ये ऊर्जा दो लोगों के बीच में खत्म होने की बजाय यदि अपलोड होगी तो कोई उसे सुनेगा तो वो एनर्जी कार्यित करेगा। बिल्कुल हाँ सही है। सभी महा पंच महाभूत से बना है, और ये हर्बल औषधि है सब पंच महाभूत से बनी है, तो उसके हिसाब से ये तो सही है। मतलब क्या केमिकल वाली है वो, नहीं, केवल उतना ही नहीं है। देखिए, ये रखना इसमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होगी। तो टेस्टिंग के लिए यदि हम जो है बीपी रीडर, पल्स मीटर बना सकते हैं तो हमारा जो है वो मीटर क्यों नहीं बना लें हम अपना जो पित्त पक्ष वात पित्त कफ का रीडर, हाँ बिल्कुल नाड़ी रीडर बनाने में कोई बहुत दिक्कत तो आना नहीं चाहिए, ठीक है ना। नहीं सही बात तो नाड़ी रीडर भी बन जाए जिससे हम वात पित्त कफ को कंट्रोल कर पाएंगे, जी बिल्कुल वात पित्त कफ को कंट्रोल कर पाएंगे, है कि नहीं। तो सही है, स्वस्थ हो जाएंगे। इट विल बी, हाँ, तो इट विल बी समथिंग लाइक दैट। तो हमें जो है हर भारतीय का मेडिकल कंपलसरली होगा, उसका नाड़ी रीडिंग कंपलसरी होगी, उसको जो है उसके भोजन में जो है आवश्यक रूप से निरोगी और दीर्घायु करने की औषधियां मिली रहेंगी मिली रहे सही है। और उसमें डिफरेंट प्रोपोर्शंस में रहेंगी, तो आपकी जो टेस्टिंग होगी उसके हिसाब से आपको प्रिस्क्राइब किया जाएगा कि ये वाला भोजन करो, ये वाला और भोजन भोजन अकेला ही आपका इलाज भी होगा, आपको तंदुरुस्त भी रखेगा और आपको अच्छा भी रखेगा। नहीं, बिल्कुल है ही, वो तो पक्की तो और साथ में जो है योगा मेडिटेशन ये भी सब होगा, बात और भारत में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होगा, भारत में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। तो सही है भारत बिल्कुल में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो कि प्रॉपर जो भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कि अनएम्प्लॉयड हो। भारत में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो कि गरीब होगा, सभी लोग समृद्ध होंगे। लोगों को रोजगार मिलेगा तो सब समृद्ध हो ही जाएंगे। हाँ, और सभी लोग कर्ज मुक्त होंगे। आपको मालूम है किसी को कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यदि आपके प्रॉफिट अकाउंट में, अर्निंग अकाउंट में यदि कोई बैलेंस नहीं है तो जैसे ही आप उससे कोई पेमेंट करेंगे या चेक जारी करेंगे तो आपका एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट होगा, वहां से अमाउंट डेबिट करके वो आपके क्रेडिट अकाउंट में, अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका कोई भी चेक बाउंस नहीं होगा, आपकी कोई भी पेमेंट रुकेगी नहीं, राइट? वो आपके डेबिट अकाउंट से उतना पैसा जो है निकल के, कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से उतना पैसा निकल के अर्निंग अकाउंट में जाएगा। और यदि इसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी तो कोई हाँ व्यक्ति, सिस्टम का व्यक्ति आपके पास पहुंचेगा, क्योंकि ये जो लोग हैं इनकम टैक्स वाले और बाकी लोग ये सब बेरोजगार हो जाएंगे, राइट? हाँ तो इनका चूंकि टैक्स होगा नहीं तो ये सब बेरोजगार हो गए कि नहीं हो गए? हो ही जाएंगे जब जरूरत हाँ, नहीं। तो इन लोगों का काम हाँ बदल जाएगा। इन लोगों का काम रहेगा कि यदि कोई कमा नहीं पा रहा है तो ये टीम आपके पास पहुंचेगी और ये आपको समझेंगे कि आप कमा क्यों नहीं पा रहे हैं, राइट? और ये आपको तो इनेबल करेंगी। तो आप हाँ ये बताइए, कोई भी व्यक्ति बैंकरप्ट नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति। नहीं, अब आप ये बताइए कि गुलामों के नियम कानून, अब ये बताइए गुलाम, वो तो गुलामों के नियम, उसी से तो परेशान। नहीं, इस परेशानी वाली बात नहीं अब है, मैं तो दूसरी बात कहूंगा भाई साहब। आप मैं ये कह रहा हूं कि हमारे राजनेताओं की हाँ चिंतन में ये क्यों नहीं आया कि गुलामों के नियम कानून हमें अपने देशवासियों पर नहीं थोपना है।
आप मुझे ये बताइए कि जब सरदार तुलसी टाइप की। नहीं, इसको दूसरे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। सरदार भगत सिंह 23 साल में फांसी पे चढ़ा दिए गए थे, ठीक है ना? उसकी डायरी आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है। उस डायरी में उसने लिखा है कि उसके स्वप्न का भारत क्या होना चाहिए, राइट? गांधी जी ने तो उसको जो है ना मिस्टर सपरू को भेजा था कि भाई सरदार भगत सिंह माफी मांग ले तो जो है उसको फांसी से बचाया जा सकेगा, बचाया राइट? जा सकता। तो डॉक्टर सपरू जो है पहुंचे, उनके पास तार दिखाया कि साहब ये तार आया है महात्मा गांधी जी से लंदन से कि आप जो है माफी मांग लें, तो यदि आप जिंदा रहेंगे तो बहुत सारे सरदार भगत सिंह आप पैदा कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, यदि मैं माफी मांग लूंगा तो सरदार भगत सिंह बनने की फैक्ट्री ही बंद हो जाएगी। हाँ, फिर काय को बनेंगे। सही हाँ, बात फिर है। जो है ना फिर क्यों कोई सरदार भगत सिंह बनेगा? हाँ, फिर तो काय करेक्ट। को कोई तो डॉक्टर सही। मिस्टर सपरू ने जो है बाद में जो है तार से जवाब दिया गांधी जी को कि मैंने सरदार भगत सिंह से बातचीत की थी और आपका संदेश पहुंचाया था कि आप माफी मांग ले हैं। तो उन्होंने इसको बिल्कुल मना कर दिया है, और जो सरदार भगत सिंह ने कहा है उससे मैं भी पूरी तरह से सहमत हूँ, हाँ, राइट? मतलब जो वो कह रहा है वो ज्यादा ठीक कह रहा है, ठीक है ना? तो और 100% हाँ, तो जो सरदार भगत सिंह जैसा 23 साल का बच्चा यदि एक स्वप्न पाल सकता है कि हमारा सपने का भारत कैसा होना चाहिए, तो ये मुग्गे लोग सिर्फ सत्ता को हासिल करने के बारे में ही केंद्रित रहे, इनके सपनों का कोई भारत नहीं था। नहीं, सपनों का उन्हें तो अपने वो देश पूरा करने से मतलब है। उन्हें इस बात से कोई मतलब है। उनकी सोचा ही सार्थक नहीं है। उनकी तो दूसरी टाइप की सोच। तो और इन उनका इन तो इन्हें ये हमारे राजनेता क्यों होना चाहिए? ये तो देखा जाए तो देशद्रोही कहलाए ना फिर। लेकिन जाइए कि बहुत लंबी लड़ाई है। इतना आसान काम नहीं है, लेकिन आप ये करते रहेंगे। देखिए भाई साहब, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बहुत लंबी लड़ाई है और ये बहुत आसान लड़ाई भी है। नहीं, निश्चित है। उसके रिजल्ट तो इतने प्रभावी देखिए रहेंगे कि जिसकी कोई हद नहीं है। मैं वही कह रहा हूं कि ये लड़ाई लंबी भी है तो ये लड़ाई बहुत आसान भी है। देखिए, यदि आपको 100 मीटर चलना है और यदि आप अपने जगह पे खड़े रहेंगे तो कितने साल में 100 किलोमीटर चढ़ेंगे आप? नहीं, कभी सौ नहीं मीटर चलेंगे। क्यों कभी चलेंगे? नहीं, कभी नहीं पहुंच पाएंगे आप। 100 मीटर जीरो हो जैसी जाएगा छोटी वो तो। डिस्टेंस में भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो यही इसके लिए है हाँ, मतलब कि कैसे बढ़ेंगे आप? यदि आप अपने से जुड़े 10 लोगों को जोड़ के उनके पीछे पड़ के और उनको भी इस बात में संकल्पित करके कि आपको आगे को 10 में जोड़ना है, तो ये काम मात्र 9 दिन में संभव है, राइट? क्या कठिन है क्या ये? तो हमने उसका विवेचन में आपको बताया है कि 90% लोगों को एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है, 90% लोगों को एक को भी नहीं जोड़ना है, फिर तो और भी सरल है, खुद को जुड़ जाना है। और यदि आपको इतने भारी 21 लक्ष्यों के साथ एक परिवर्तित भारत मिल रहा है तो उसके लिए इतना छोटा सा काम तो हर किसी को करना चाहिए ना, कि नहीं करना चाहिए? एक्चुअली काम देखने में जरूर छोटा है, लेकिन है बहुत बड़ा काम। आदमी अपने ही तो नहीं बदल पा रहा है, बाकी और दुनिया इसमें को आपको बदलने के बदलने लिए। के लिए कहाँ कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं केवल जोड़ लो। इसमें हम आपको बदलने के लिए कहीं कह रहे हैं क्या? हमने आपसे क्या क्या कहा, क्या बड़ी बात बदल है। है? जब अपन उसके सार्थक सोच उसमें, तभी भाई एक्चुअली में क्या है, जिसको जोड़ना है उसकी मानसिकता अपन को रीडिंग करना है। वो तो आपको देखो सहयोग देखो करेगा दे, तभी दे, तो जोड़ेगा। देखो दो चीजें हैं। नंबर 1, क्या इन 21 लक्ष्यों के साथ आपको अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, गुलामों के कानून मुक्त, पारदर्शी और अकाउंटेबल प्रशासनिक व्यवस्था जो कि संवेदनशील भी होगी और समय पर सही निर्णय लेगी? यदि समय पर सही निर्णय नहीं लेती है तो उसे आपको कंपनसेशन देना होगा जो उसकी खुद की पॉकेट से जाएगा। और आपको परिवर्तित भारत यदि इतनी आसानी से मिल रहा है और इतना आपको कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ रहा है, तो इस भाव में क्या अपने से जुड़े 10 लोगों को जोड़ना कठिन काम है? इस नहीं, भाव में कठिन नहीं, कठिन बिल्कुल नहीं है। लेकिन उन 10 लोगों को अपन जब ही जोड़ पाएंगे, जब भी 10 लोग जोड़ने एक की एक इच्छा मिनट एक मिनट एक मिनट आप भूल रहे हैं, पूरे मॉडल को भूल रहे हैं। इसमें दो चीजों को पहले आप याद रखिए कि आप 140 करोड़ में से मात्र 100 करोड़ की बात कर रहे हैं। 40 करोड़ को तो आपने वैसे ही छोड़ दिया, राइट? है।
40 करोड़ को छोड़ दिया ना, हाँ सर, अब हाँ 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों को, एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है, तो केवल 9 करोड़ लोगों को, 10 लोगों को जोड़ना है, केवल 9 करोड़ लोगों हाँ हाँ को। तो बहुत छोटा काम हो गया ना, 9 करोड़ लोग, और 10 तो बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, और बदले में आपको इतनी चीजें मिल रही हैं। अभी आप बताओ, आप 13 13 14 14 महीने का किसान आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें ढेर सारे लोग जो है काल कल्वित हो जा रहे हैं, इन दुष्ट राजनेताओं के बेटे वो आशीष मिश्रा ने इनके ऊपर गाड़ियां चला दी, जिसमें 4 किसान मर गए, और व्यवस्था की दुष्टता देखो कि अभी भी वो राज्य गृह मंत्री बना बैठा हुआ है अमित शाह के नीचे। तो ये व्यवस्था तो दुष्ट है। ये जो जंतर मंतर पे जो है, जिन बिटियों ने ओलंपिक के आपको गोल्ड मेडल दिलाए हैं, और ये हरियाणा की बिटियां हैं, यहाँ पे जो है ये फालतू की बकवास करेंगे तो वहां की खप उनको काट डालेगी। हाँ सही है, ये कोई दूसरी जगह के नहीं है, वो दूसरी जगह के लोग हैं। हाँ इनकी खाप तो पड़ी है। अब आप ये देखिए कि इस भाजपा ने अपनी पूरी आईटी लगा दी है आजकल, देखो उनको डिफेम करने के लिए। जिसके पास 40 अपराध हैं, उसको उसका अध्यक्ष बनाया गया है कुश्ती महासंघ का। ऐसे घटिया आदमी को क्यों कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष होना चाहिए था? आप कितना कितना इस देश के साथ अत्याचार करोगे? आपने जो है, पहले अटल बिहारी वाजपेयी का छोड़ दीजिए, अभी 10 साल के होने को जा रहे हैं, आपने संविधान की व्यवस्था के विपरीत बनाए गए एक भी कानून को रिपील नहीं किया। बिल्कुल सही है जी, आपने उस समय आपने के बना के। हाँ, मतलब अधिकांश जो नए कानून भी बनाए, जैसे वर्सी प्लेसेस एक्ट 1991 है, इसका सेक्शन 4 आपको न्यायालय जाने की इजाजत नहीं देता है। ये न्यायालय पे प्रतिबंध लगाता है कि वैदेश्वरन जी यदि अपना जो है पिटीशन लगाएंगे तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सेक्शन 4 कह रहा है, कोर्ट्स आर डिबार्ड फ्रॉम टेकिंग कोग्निजेंस, राइट? इसका मतलब है कि आपको कोर्ट जाने की इजाजत नहीं है, राइट? तो ऐसा तो कोई कानून भारतीय संविधान के तहत तो बन ही नहीं सकता है, जिसमें आम आदमी की कोर्ट जाने की रिकोर्स बंद कर दिया जाए। ये एक्ट तो असंवैधानिक है। फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी से नए से रिपील क्यों नहीं किया था? अब आप ये बताइए, जो बनारस की जो कोर्ट है, जिसने कहा है कि साहब इसका ओरिजिनल स्वरूप है, इसका सर्वे कराना है, बर्से प्लेसेस एक्ट के रहते इस न्यायालय को ये हक कहाँ से मिल गया है? वो तो एक ही सिद्धांत बताता है कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थान जिस धर्म के उपयोग में ला रहा है उसका उपयोग किया जाए, और कोई पिटीशन लंबित है तो इसी सिद्धांत के तहत उसको नस्तीबद्ध कर दिया जाए। वो तो ये भी मार्गदर्शी सिद्धांत दे रहा है। तो ये नई पिटीशन आप कैसे ले रहे हैं, और उसको हाई कोर्ट भी अपहेल्ड कर दे रही है? किस कानून के तहत अपहेल्ड कर रही है? गलत है। हमें सूट कर रहा है तो हम भी ताली बजा रहे हैं, लेकिन हमको सूट करने से, हमारी भावना के अनुरूप होने से, ताली बजाने से तो काम नहीं बनेगा कि बनेगा? देखिए, हर आदमी की सोच अपने अपने टाइप की होती है, तो अपना स्वार्थ देख रहा है और उसको दुनिया से क्या लेना था। नहीं आदमी की नहीं सोच नहीं ही तो नहीं खराब ये होती है। स्वार्थ जो है और अच्छे ढंग से पूरा हो सकता है यदि हम बर्से प्लेसेस एक्ट को रिपील कर दें। कर हम तो बड़ी सिंपल सी बात कह रहे हैं कि जब भी आतताई और आक्रमणकारी भारत देश आए, उन्होंने बड़ी संख्याओं में हत्याएं की, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उन्हें दो दो दिनारों में बेचा, और इस बात के स्तूप लगाए जो आज भी लगे हुए हैं, आज आज विद्यमान है वो स्तूप, राइट? हाँ और इसे एक परपाटी बना दिया। तो उस समय हमारे देशवासियों ने अपना जो है ना, जो भी हालात रहे उसमें, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाए। आज जब आपने स्वतंत्र देश हो गया है, तो आपको नहीं लगता है कि ऐसे सभी स्थान जो कि भारत माता की वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण थे, उनको उनको हमें फिर से जो है ना, अपनी भारत माता को पुनर्सिंगारित करना चाहिए, उससे भव्य जगह वो वहां बनाई जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे वास्तुकला के, हमारे संस्कृति के, हमारे वैदिक ज्ञान के उत्कृष्ट उदाहरण थे। वो सभी टेम्पल दे आर इन ए पर्टिकुलर अलाइनमेंट। सोचिए वो क्या टेक्नोलॉजी रही होगी। सही है,
आजकल की सरकारें सिर्फ वोट जनित चीज सोचती हैं, बाकी सोच उनकी आज काम ही नहीं की करती। सरकारें दुष्ट सरकारें हैं, अब वो तो जिन्होंने है, लेकिन जिन्होंने उन्हें बस जस्ट केवल वोट की राजनीति, उन जितना देखिए, उनकी मैं तो वोट की बड़ी राजनीति सिंपल बात कह रहा हूं कि ये हमारी सरकार क्यों होना चाहिए, जिन्होंने नहीं होने आपके चाहिए, ऊपर बिल्कुल नहीं गुलामों होने के चाहिए। नियम कानून थोप के रखे हैं। तो अपने से जुड़े लोगों को जोड़ो ना, और उसका एक अब अभी हमने एक नया तरीका निकाला है कि आप जो है लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को एक साथ बुलाने के लिए से सत्यनारायण की कथा करा लीजिए, सभी भाऊ बंधुओं को बुला लीजिए, पड़ोसियों को बुला लीजिए, राइट। उसमें उन ये चर्चा हो सकती है, उसी में एक संकल्प ले लीजिए क्राइम फ्री भारत और 21 लक्ष्यों का, राइट। उसी समय उनको जोड़ लीजिए, इसमें 21 बाह्य विधाओं में अपन को पूरा संगठन खड़ा करना है, जिसमें छात्र हैं, शिक्षक हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, इवन राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि उनका भी दोहन हो रहा है, वकील हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, संत हैं। तो जो लोग भी उसमें सम्मिलित हों, वो जिस बाह्य विधा के हों, हम ये चिंतन भी करें कि क्या इस व्यक्ति को क्या जिम्मेवारी दी जा सकती है, क्योंकि हर विधा का राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, डिवीजन स्तर, जिला स्तर, पार्लियामेंट्री जो है क्षेत्र स्तर, विधायकी क्षेत्र स्तर, राइट, और ब्लॉक स्तर, और थाना स्तर, टाउन स्तर, और गांव स्तर, इस स्तर पे जो है ना 37-37 लोगों को जो है ना संगठन की जिम्मेवारी देना है, इन सभी विधाओं में, 21 विधाओं में, जिसमें एक प्रेसिडेंट होगा, 5 वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं, 10 असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं, और 21 व्यक्तियों की कार्यकारिणी हो सकती है। तो हम 37, हर लेवल पे 37 लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जब हम आयोजन करें, उसमें देखें कि भैया किन किन विधाओं के लोग हैं, क्या इनमें से इतनी ऊर्जा वाले हैं कि जिम्मेवारी दे सकते हैं, नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो हम संगठन खड़ा कर पाएंगे, वहीं पे हम फिर निर्णय ले सकते हैं कि भाई अगला जो है ना वो कौन करेगा, राइट। तो हर कोई यदि इसी तरीके के छोटे छोटे अनुष्ठान करेगा, तो ईश्वर की शक्ति भी उसमें जुड़ेगी, जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी। क्राइम फ्री भारत बिल्कुल मिशन के साथ जो है ना ईश्वरी शक्ति, जो कि ये एगो परिवर्तन है, तो वो ईश्वरी शक्ति भी जुड़ जाएगी। तो यदि हम इस तरीके से करेंगे, तो सब जो है ना भाईजन, परिचित जन, पड़ोसी जन, सब लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, और हम बड़ी आसानी से, बहुत ही आसानी से ये सब काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखो ये ईश्वर प्रेरणा दे रहा है ना, आप नहीं देख रहे हैं कि एक के बाद एक नई चीजें निकल के आ रही हैं, हर दिन आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, हर नहीं, दिन कुछ बिल्कुल नया हो हम रहा है कि नहीं हो रहा है। एक्चुअली, मैं एक बात बताएं, अभी तक का रिकॉर्ड है वोटों की परसेंटेज के हिसाब से हमेशा अल्पमत की सरकारें रही हैं। जितने लोग वो सरकार बनाते हैं वो 33%, 35%, 40%, 60% तो आपके खिलाफ ही है चाइनीज पार्टी, तो इसका मतलब ये है कि आपके फेवर की सरकार था, लेकिन अब अपने तरीके से जो सबसे ज्यादा ले आया वो जीत गया। देखो यदि परसेंटेज यदि से जीतना यदि चाहिए आदमी को, तो पता यदि चले कि यदि हम इन लोगों को क्राइम फ्री भारत बैनर के तहत लाकर 21 लक्ष्यों सहित परिवर्तित भारत थमा रहे हैं, तो सद्बुद्धि वाले लोग जो है यदि इस तरीके का आयोजन करें और उसमें चर्चा करें और फिर लोगों को जोड़ें और उनसे पूछें कि भैया ऐसा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए, तो अधिकांश लोग तो चाहेंगे, राइट। और जैसे 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 आपकी जनसंख्या बढ़ेगी, तो बाकी लोग जो है ना इंड्यूस इंडक्शन इफेक्ट से भी आते हैं, एक दूसरे को देख के भी जो है ना लोगों को लगता है हाँ ये तो अच्छी चीज है। कई बार हमको ठंड जो है ना अखबारों में पढ़ के या गर्मी अखबारों में जो है ना टेम्परेचर पढ़ के समझ में आती है कि नहीं आती सही है। है तो वही चीज इसमें होगी। तो और इसमें जो है अभी हमने एक नई विधा चालू की है, जिसमें संत समाज को जोड़ने की बात कही, इसमें जो 21 विधाएं हैं उसमें संत समाज भी है। मेरा ये मानना है कि संत समाज जो है वो तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता है, तब तक उसे मोक्ष नहीं मिल सकता है, जब तक कि वो जन कल्याण ना करे, राइट। तो हम संतों के पास जाएं, बहुत सारे संतों के पास हमारे लोग पहुंच रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं, और वो जो है फिर दूसरे संतों के पास जा रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं, और सावन के महीने से सभी लोग जो है गांव में निकल रहे हैं, वहां पर जो है धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, संकल्प लेंगे और लोगों को जोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
तो ऐसा कार्यक्रम आप क्यों नहीं करते हैं? बात समझ रहे हैं ना? दो तरीके हो गया, एक तो हो गया कि साधु संतों को जोड़े, और देखो ढेर सारे साधु संत हैं आज की व्यवस्था में, हर कोई जो है वो असहाय महसूस कर रहा है, राइट? 21 लक्षों का परिवर्तित भारत हर कोई चाहेगा कि नहीं चाहेगा? अच्छी चाहेगा, राइट? चीज तो सभी चाहे। चाहेंगे। अब यदि हम एक छोटा सा कहें कि भैया अब हम नॉर्मल कोर्स में सत्यनारायण की कथा या कोई धार्मिक अनुष्ठान कराते रहते हैं कि नहीं कराते रहते हैं? कराते हैं या नहीं कराते हैं? हाँ, कराते कराते रहते। हैं। तो इसी तरीके का यदि हम एक धार्मिक अनुष्ठान कराएं और ये सब कार्रवाई उसमें जो है संकल्प लें क्राइम फ्री भारत का, और उसी में हम जो है लोगों को जो है जोड़ें, तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। और यदि ये काम हम संतों को जोड़ के और उन संत को लेके हम दूसरे सीनियर संत को पहले अपने उसमें समझाएं, और फिर सीनियर संत जो है जूनियर संतों को समझा के उन सबके पास जाके उनको यदि जोड़ने का काम करेगा, और फिर संत जो है सभी संत अपने अपने प्रभाव क्षेत्र के गांवों में जाके धार्मिक अनुष्ठान करके लोगों को जोड़ेंगे, तो आपको नहीं लगता है कि ये बड़ी आसानी से हो जाएगा? नहीं, तो आपके दो तरीके हो गए, एक संत ओरिएंटिक हो गए हैं, दूसरा खुद के ओरिएंटेड हो गया है। तो खुद आप धार्मिक अनुष्ठान करा रहे हैं जो घर में अपने लोग करते हैं, ठीक है ना? भाईजनों को जो ना करके उसी में हम क्राइम फ्री भारत का संकल्प ले रहे हैं, राइट? दूसरा जो है संतों के पास जाके संतों को जोड़ के, और आषाढ़ का पूरा महीना संत समाज को तैयार करें, ठीक है ना? और सावन के महीने से ये हर गांव में जाना शुरू करें, और वहाँ धार्मिक अनुष्ठान करके 21 लक्षों वाले भारत को जमीन में उतारने की बात करेंगे, तो भाई साहब मैं गारंटी लेता हूँ मतदान के पहले ऐसे सभी राजनेता जो तीन तीन चार चार पांच पांच बार के विधायक सांसद मंत्री और मुख्यमंत्री रहे हैं, वो मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश हो जाएंगे। मतदान के पहले, बाद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मतदान के पहले। मतदान के पहले, मतदान नहीं हुआ है अभी, क्यों? क्योंकि जब जो है 80% लोग ऊपर चढ़ेंगे और आप थाली बजाएंगे दीपक जलाएंगे, तो आपका पड़ोसी आपसे पूछेगा ना, डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे हैं, आया नहीं? सच पूछेंगे। और जब आप उनके बताएंगे भैया हम ये अनुष्ठान कर रहे हैं क्राइम फ्री भारत, जिससे 21 जो है हमको फल मिलेंगे और इससे हमारा भविष्य बदल जाएगा, हमारा खुद का भविष्य बदल जाएगा, हमारी संतानों का भविष्य बदल जाएगा, तो अपने लिए और अपने संतानों के लिए अच्छा भारत हर कोई चाहेगा कि नहीं चाहेगा? चाहेगा, क्यों नहीं चाहेगा। अभी तो चारों तरफ विष, चारों तरफ मकारी, चारों तरफ बदमाशी फैली हुई बहुत ज्यादा है, और हर व्यक्ति त्रस्त है, क्योंकि जो इन सत्ता में बैठे लोगों के ही बाहुबली आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आपकी जमीनों नहीं पे कर ही कब्जा कर रहे रहे हैं। हैं, है? सही सही और व्यवस्था का दुरुपयोग करके उनके ऊपर दबाव बना के उनको पैसे दे के आपके ऊपर झूठा मुकदमा भी कायम करा दे रहे हैं, नहीं हो ही रहा, झूठे और दो मुकदमे। बयान काट के आपको जमानत कराने के लिए मजबूर हो रहे हैं, और यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी जमानत भी नहीं होगी, आप बेगुनाह होकर भी जेल में सड़ेंगे, और जो 40 40 50 50 60 60 70 70 ऑफेंसेस कर रहे हैं वो जो है ना उन्हें कोई बाहर नहीं, घूम रहे हैं, और यदि वो जेल में भी है तो जेल में से जीत रहे हैं, क्योंकि उनके गुर्गे कह रहे हैं कि देखो दादाजी को जिता देना नहीं तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो नहीं रहा, जेल में रह के ही जीत रहा है। तो फिर यदि आपको इतना आसान समाधान दे दिया गया है और आप इन राजनेताओं पे डिपेंडेंट नहीं हैं, और आपको एक ऐसा चाणक्य मिल गया है जिसे इतने साल का अनुभव है, जितने इतने इतनी जो है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, इतने टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन डिजाइन करके रखे हैं, और कानून भी वो बदल देगा, तो इस परिवर्तन को कोई रोक पाएगा क्या? अपना तो एनर्जी लगाइए, सकारात्मक होकर एनर्जी लगाइए, इससे मकसद मिलेगा, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पक्का इससे जो है आपकी खुद के अंदर की निराशा, हताशा, डिप्रेशन दूर होगा, आपका कमिटमेंट एंड डेडिकेशन बढ़ेगा, आप जो है निरोगी और दीर्घायु हो सकेंगे, आपका बूढ़ापन कम हो जाएगा, क्योंकि ये बूढ़ापन भी दिमाग के सोच से आता है। नहीं। तो जब आप
चिंतनशील होंगे, प्रोग्रेसिव होंगे, सकारात्मक होंगे, तो निश्चित तौर पर जो है आपका दिमाग हमेशा पॉजिटिव चीजें ही क्रिएट करेगा। ये आपका जो जो भी ये चीजें हैं ये सब केमिकल लोचा है। ये तो ये आप सकारात्मक विचार करके उस नहीं, जो केमिकल लोचे के उसका बाहर निकल नहीं सकते नहीं हैं। उसका उसका यही तो बताया था हाँ कि जो काम जो खाद्य पदार्थ जिसके लिए निर्धारित किए गए हैं तो उसके लिए उन्होंने कहा बीपी बढ़ रहा है, अपनी कार्य पद्धति, अपनी जीवन शैली सब चेंज हो गया है। हाँ जबकि जबकि जो प्राणी है और जानवर है उनने अपनी उसमें कुछ नहीं किया है, नहीं, बंदर हमेशा उचकता रहे आपने उनको भी बेबस कर दिया है। देखो बंदर आज बंदर हमेशा उचकता रहता है, वो हाँ अपने लिए स्वयं तैयार करता है, शेर अपना खाना स्वयं तैयार करता है, किसी के ऊपर डिपेंड थोड़ी रहता है, चाहे बूढ़ा शेर हो लेकिन वो शिकार करके ही खाएगा। अपने आप पद्धति बदल गई, क्या बदमाशी से दूसरे लोगों का छीन के खा ले, बस हमें ना करना पड़े तो। ये आदमी की मानसिकता हो गई और तत्कालिक फायदा देखता है हम तो ये आदमी कह रहे को। हैं कि ये चिंतन जो है 21 दिन में बदला जा सकता है। किसी भी सोच और चिंतन को 21 दिन में रोपा जा सकता है। 45 दिन में आधा रीइन्फोर्स हो जाएगा, 90 दिन में फुल्ली रीइन्फोर्स हो जाएगा, 90 दिन में फुल्ली रीइन्फोर्स हो जाएगा। और यदि उसे जारी रखा जाएगा तो एक बड़ा वटवृक्ष बन जाएगा जो आपके संस्कारों का हिस्सा बन जाएगा। नहीं, बिल्कुल निश्चित बनाएंगे, तो लेकिन इतना आदमी ये भी आप बोल रहे हैं कि ये की भी कठिन नहीं है। नहीं कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, लेकिन आदमी आजकल क्या है, आदमी की सोच आप तो सोच अपने बदल आदमी गई। आदमियों को छोड़ो ना, अपन तो कॉन्क्रीट बात करें, अपने से जुड़े लोगों को, उनसे कोई ना कोई जुड़ा है। ये तो नेटवर्क है ना, हर कोई किसी ना किसी से जुड़ा हुआ है ना। यदि हम जनरल आदमी को करेंगे तो अपन को 100 करोड़ आदमी देखेंगे। यदि हमें अपने आसपास के 10-10 लोगों को जोड़ने का यदि हम क्रम जारी रखते हैं, और यदि मान लो उसमें 10 में से एक भी जोड़ लेता है और एक 9 नहीं जोड़ते हैं, तो अपने पास तो 90 करोड़ लोग हैं अकोमोडेट करने के लिए। बात समझ रहे हो ना, 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, केवल 9% लोगों को ही 10-10 लोगों को जोड़ना है, 0.09% को केवल 20 लोगों को जोड़ना है, 0.009% को 30 लोगों को जोड़ना है, 0.0009% वालों को 40 लोगों को जोड़ना है, राइट? 0.0009 को जो है 50 लोगों को जोड़ता है, जिसका जिसका जो है ना केवल 9,000 है जो, राइट? तो 9,000 लोगों को ही 50 लोगों को जोड़ना है, केवल 900 लोगों को ही 60 लोगों को जोड़ना है, केवल 90 लोगों को ही 70 लोगों को जोड़ना है, केवल 9 लोगों को ही 80 लोगों को जोड़ना है, और केवल एक व्यक्ति को ही 90 लोगों को जोड़ना है जिसका नाम मैथिली शरण गुप्त है, जिसने ऑलरेडी 1100 से ज्यादा, 1140 से ज्यादा लोगों को जोड़ दिया है। ये बात आप सब हैं? नहीं, लेकिन फिर हम उसको करने के लिए जैसे हम जो उपाय बता रहे हैं कि हम सत्यनारायण की कथा करें या कुछ भी कथा करें, फिर अपने साथियों जो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं उनसे कराएं, वहां पे लोगों को जोड़ें, कई सुविधाओं को जोड़ें, धीरे धीरे जो है ना ये वो बन जा गए। हाँ, संत समाज में स्पेशली दतिया वगैरह में बहुत संत समाज है, ग्वालियर में बहुत संत समाज है, व्रत मंदिर है, बहुत सारे साधु हैं, उनसे चर्चा की जाए। लगे तो मेरी चर्चा कराई जाए, हम वीडियो पे चर्चा करेंगे उनसे। मुझे तो अभी तक एक भी ऐसा साधु संत नहीं मिला है जिसने मैत्री गुप्त का सपोर्ट नहीं किया है। तो नहीं, जब वो सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, वो हमारे लिए गाँव गाँव जाके व्रत करने के लिए, वो सब करने के लिए तैयार हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? तो चलिए भाई साहब, इस पे जो है ना क्रियान्वयन चालू करिए, इससे आप ज्यादा स्वस्थ भी रहेंगे, आपका सोच और चिंतन और आपका डिप्रेशन भी दूर होगा, आप ज्यादा स्वस्थ हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है सर। ये आप इस बात से आप सहमत दिख रहे हैं या असहमत नहीं दिख रहे हैं? नहीं 100% सहमत है सर, यहाँ का ऐसा नहीं है कि असहमत है, हाँ, लेकिन आपको तो ऐसा है कि लेकिन आदमी की को आप सोच जो है ना, धीरे। लेकिन को आप मैथिली शरण गुप्त के लिए छोड़ दीजिए, बस जो करने को लोग कहा जा रहा है उतना करते जाइए। चलो ठीक है, मैं हूं प्रयास ना, करते हैं, है प्रयास करते दाऊ हैं। दाऊ बल दाऊ वो करें जो कृष्ण कह रहा है, हाँ सही है। ठीक है ना? और
यदि दाऊ बलदाऊ वो कहेंगे जो कृष्ण कह रहा है, तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। निश्चित चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।